पे वोटिंग में घपलेबाजी का आरोप लगा है, बीएलओ पर वोटर लिस्ट में घपलेबाजी का आरोप लगा है, कई लोगों का नाम दो बार दर्ज कराने का भी आरोप लगा है। बीएलओ का भाई समाजवादी पार्टी का नेता है और साथ ही ग्रामीणों ने बीएलओ का विरोध किया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दलजीतपुरवा गांव के बूथ नंबर 14 का मामला है। यहां पर बीएलओ पर एक बड़ा आरोप लगा है और वोटिंग में घपलेबाजी का आरोप लगा है। कुछ ऐसे भी वोटर्स हैं जिनके नाम दो बार लिस्ट में शामिल है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के एक नेता का नाम भी शामिल सामने आ रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता का भाई बताया जा रहा है बीएलओ। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आइए इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर कहासुनी हुई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी समर्थकों में बहस हो गई है, पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा है। ये बड़ी जानकारी कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है पुलिस को यहाँ पर। शिवराबाऊ के पिंक बूथ पर हुई है ये कहासुनी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ये समर्थक हैं जिनके बीच में झड़प देखी जा रही है। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं जहां पर पार्टी के जो नेता हैं आपस में इनके बीच में झड़प हो रही है, कहीं पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है। तो इस तरह की तस्वीरें जो आज चौथे चरण के मतदान के दिन देखी जा रही है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर कहासुनी हुई है। और कानपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, कानपुर में वोटिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात दरोगा और बीजेपी नगर अध्यक्ष दीपू पांडे की तीखी नोकझोंक हो गई है। आरोप के मुताबिक दरोगा के परिवार के साथ में वोट डालने आए नगर अध्यक्ष ने नगर अध्यक्ष से अभद्रता की गई है, जिसके बाद में उनकी पत्नी मतदान कक्ष से रोते हुए बाहर निकली और इसके बाद में नगर अध्यक्ष ने वहां पर जमकर हंगामा किया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, बाद में दरोगा ने बीजेपी नगर अध्यक्ष से माफी मांगी, जिसके बाद में मामला शांत हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपसी कहासुनी की ये वीडियो भी सामने आई है और ऐसे में काफी देर तक ये झड़प चलती रही, जिसके बाद में बमुश्किल हंगामे को शांत कराया गया। खबर सीतापुर से, जहां पर मतदान का बहिष्कार बिजली की समस्या को लेकर किया गया है। बिजली की समस्या का समाधान नहीं मिला है और इसी वजह से मतदान का बहिष्कार लोगों ने किया है। बूथ संख्या 302 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मतदान नहीं किया गया है। करमल कुइयां बूथ पर नहीं हो रहा है मतदान, सुबह से अब तक पड़ा केवल एक वोट। बूथ पर कुल 586 मतदाता हैं, लेकिन देखिए किस तरह से यहां पर मतदान यहां पर प्रवाहित हुआ है। लोगों की अपनी समस्याएं हैं जिनका समाधान उनको जब नहीं मिला है तो ऐसे में मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। और आज लगातार आप देख रहे हैं ऐसी कई खबरें आ रही हैं जिसमें मतदान बहिष्कार की ज्यादा खबरें मिल रही हैं। एक तरफ नेता आपस में झड़प कर रहे हैं, दूसरी तरफ मतदान का बहिष्कार हो रहा है, तीसरी तरफ ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं और बारिश ने भी कई जगहों पर कोहराम मचाया हुआ है। शाजापुर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने मतदान के बाद में कहा कि मतदाताओं में उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग कर रहे हैं। ये क्या दिखाया आपने अभी तक? मैंने देखा है कि लोग काफी अच्छे तरीके से वोट देने आ रहे हैं, काफी लोग सजग हैं समय वोट देने के लिए, वोट अच्छा परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है, लोग वोट आ रहे हैं। अभी तो सुबह के 10:30 हुआ है, आ रहे हैं वोट और अब तो आगे और अभी लोग आएंगे वोट देने के लिए। किन मुद्दों के ऊपर आई थी चुनाव लड़ने के लिए? देखिए मैं जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने आई थी, कुछ मुद्दे जो पूरे राज्य के लिए पूरे देश के लिए लगे थे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों की आय का मुद्दा, सरकारी अस्पतालों का, सरकारी स्कूलों का मुद्दा, जो धर्म के नाम पर राजनीति होती है उसका मुद्दा, और जो शाहजहांपुर के मुद्दे हैं जो मुझे लगे मेन मुद्दे जिनका यहाँ पे बात करनी चाहिए, जैसे कोलाघाट पुल का मुद्दा हो गया आपका, सड़कों का मुद्दा जो है नहीं यहाँ पे, मुद्दा सीवर लाइन का मुद्दा हो गया, किसानों जो अपनी फसल बचाते हैं। वहीं आपको बताएं कि शाहजहांपुर में वोटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, जिन्होंने कहा है कि विपक्षी उम्मीदवार को यहाँ कोई नहीं जानता, उन्होंने सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। सुनिए,
सबका विकास, और फोकस इस बात पर है गरीबतम व्यक्ति का, जो समाज में सबसे गरीब व्यक्ति है वो, जो गरीब है वो, जो मिडिल क्लास है वो, जो लोअर मिडिल क्लास है वो, इन इन वर्गों का मोदी जी ने सर्वाधिक ध्यान रखा, इनको सर्वाधिक कोशिश की है कि सत्ता और साधन से जितने भी संसाधन है सरकार को, उनका लाभ इन वर्गों को ज़रूर मिले। और वैसे तो हमारा नारा सबका साथ सबका विकास, डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं, एक समान परिस्थिति में सभी लोगों को एक सा व्यवहार और एक अपने संसाधनों का एक सप्रयोग। सर, समाजवादी पार्टी का बाहरी प्रत्याशी है, लोकल प्रत्याशी की लड़ाई है क्या? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लोग, हाँ तो देखना चाहिए ना उनको, उनको देखना चाहिए कि उनको कहाँ वोट मिल रहा है। देखो वो फर्जी मतदान जिस प्रकार से वो कराते थे, जिन बूथों पर 45% लोग नहीं है, 90% पोलिंग जो हो जाती थी, तो एक कुल मिलाकर वो इस बार नहीं हो पा रही है। चुनाव तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस महामंत्र के साथ, और धर्म लगा दे भाई, राष्ट्र पहले है, मोदी जी ने सारे सम्मान बढ़ाया है उसको जनता बहुत सम्मान से देख रही है। 500 साल का झगड़ा जो अयोध्या में समाप्त किया है, तो एक ही गाना चल रहा है जो राम बोला है, एक तरफ बोला है कि अब प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे, योगी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। केजरीवाल की बुद्धि कुछ विकृत हो गई है, तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, उसी प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उनको एक दिन को भी जेल में जाना। दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से साथ है, लड़के अपना काम कर रहा है। इसमें हम मतदान स्थल पर है जहाँ रामशंकर कठेरिया जी आए हैं। सर, किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं और क्या लग रहा है इस चुनाव? यानी चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, और मुझे लगता है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 10 साल का सुशासन है और डेवलपमेंट है, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी से मुक्त यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान बड़ी संख्या में हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, क्या लग रहा है चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी फिर से जो है अपना दावा ठोक रही है, कह रही है। और इस समय हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। अमित गंजू भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी आपके पास आए, इससे पहले अमित गंजू के पास चलेंगे, कानपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित गंजू, वोट प्रतिशत काफी बढ़ रहा है, 9 बजे तक यहां पर देखा गया कि 12% वोटिंग हो चुकी है। अब आगे जो वोट प्रतिशत आएगा उससे काफी उम्मीदें ये रहने वाली है कि यहां पर पिछले 3 चरणों की तुलना में ज्यादा मतदान होना चाहिए। कैसा चल रहा है इस समय मतदान का उत्साह?